जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं टॉक्स विद रोशनी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज आप पढ़ने के मूड में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा दो मेन सब्जेक्ट से, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग ट्रेंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बनाया है। एंड यस, मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स हैं वो पिछले कई सालों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर्स को इन पॉइंट्स से कुछ ज्यादा ही लगाव है शायद। तो आप देर ना करते हुए अपनी पेन ले, पेपर ले एंड जितने भी पॉइंट्स हैं आप उसे नोट डाउन कर ले एंड गेट रेडी फॉर योर एग्जाम्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट पॉइंट, एस्कैरिस एक प्रकार का अंत परिजीव, दैट इज एस्कैरिस इज एन एंडोपैरासाइट, जिसके द्वारा मानव में एस्कैरियासिस नामक डिजीज होता है। पॉइंट नंबर टू, हाथी पाव, दैट इज एलिफेंटियासिस, रोग का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डब्ल्यू बैंक्रॉफ्टी नामक परिजीव और वाहक क्लूएक्स मॉस्किटो होता है। इसको फाइलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। The causative organism of elephantiasis is W. bancrofti and it is spread through Culex mosquito. Other name is filaria. Point number 3. पुरुषों में होने वाला most common cancer होता है prostate cancer. इसके बाद पुरुषों में होने वाला second most common cancer होता है lung cancer. एग्जाम्स में यूजुअली दोनों options दिए हुए रहेंगे, लेकिन आपको पहला वाला option that is prostate cancer को ही select करना है। पॉइंट नंबर 4, VDRL का पूरा नाम वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है। यह मुख्यतः STD दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसके अंडर आता है सिफिलिस, की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, एंटी लेप्रेसी डे एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th of January। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके लिए ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे इम्पोर्टेंट मेडिकल डेट्स रहें, जिससे आपको याद करने में इजी होगी। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। पॉइंट नंबर 6, मलेरिया का सबसे घातक प्रकार फैल्सीपैरम मलेरिया होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कुप्रभाव मस्तिष्क, दैट इज द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड। इस कारण से इसे सेरिब्रल मलेरियल फीवर भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 7, ऑडियो विजुअल एड्स को देखकर या सुनकर किया गया अध्ययन, दैट इज द स्टडी और एक्सपीरियंस, को हम ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 8, NTPC का पूरा नाम नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम होता है एंड ये हर साल एग्जाम्स में पूछा ही जाता है डियर्स। एंड इसका और एक फुल फॉर्म होगा जो RNTCP है, बस इसके आगे जोड़ दीजिएगा रिवाइज्ड। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 9, महिलाओं में IUD दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉपर टी इंसर्शन हेतु सर्वाधिक अप्रोप्रिएट टाइम, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ इंसर्टिंग एन IUD दैट इज कॉपर टी इंसर्शन इज MCK दौरान, दैट इज ड्यूरिंग योर पीरियड्स, या फिर MCK 10 डेज बाद तक। वाई? बिकॉज इस टाइम पीरियड में सर्विक्स सबसे अधिक डायलेट होता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 10, आइसबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग आइस का जो फ्लोटिंग पार्ट होता है ना, उसे हम एपरेंट या फिर डायग्नोस्ट केसेस के नाम से जानते हैं, और पानी में डूबा हुआ भाग लैटेंट केसेस को इंडिकेट करता है। पॉइंट नंबर 11, जेरार्ड कैप्लन ने ईयर 1967 में सर्वप्रथम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का मॉडल प्रस्तुत दिया था। जेरार्ड कैप्लन इन द ईयर 1967 डिड द प्रेजेंटेशन, द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 12, MTP एक्ट, दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन द ईयर 1971, बट पूरे भारत में वह 1 अप्रैल 1972 से प्रभावी था। दैट इज इन द ईयर 1972, 1 अप्रैल इट केम इन टू इफेक्ट। पॉइंट नंबर 13, मलेरिया फीवर की पहचान मेनली इसके फीवर पैटर्न से की जाती है। इसके दौरान पेशेंट में कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग स्टेज क्रम से फीवर एपिसोड्स प्रकट होते रहता है। पॉइंट नंबर 14, टार्टर वर्ड का मीनिंग होता है डेंटल कैलकुलस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14,
हेनरी फेयोल ने प्रबंधन दैट इज द मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स का वर्णन अपने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में किया था. सो हैव टू रिमेंबर 14 प्रिंसिपल्स इन द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय हेनरी फेयोल. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, द अदर नेम फॉर मैन पावर प्लानिंग इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में नर्सिंग फील्ड का हाईएस्ट पोस्ट सर्वोच्च पद नर्सिंग एडवाइजर का होता है. नंबर 18, इंडियन नर्सिंग प्रोफेशन में कुंठा दैट इज फ्रस्ट्रेशन में मुख्य कारण क्या है. सो देयर आर थ्री मेन पॉइंट्स. नंबर 1 इज लेस पेमेंट, नंबर 2 हैवी वर्कलोड, एंड नंबर 3 लेस लीव्स और हॉलीडेज. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 19, जब हायर अथॉरिटी के द्वारा अपनी कुछ ताकतें लोअर अथॉरिटी पर पोस्टेड वर्कर्स को हस्तांतरण दैट इज द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ जॉब्स करके दी जाती है तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है. पॉइंट नंबर 20, यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th of December, एंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. पॉइंट नंबर 21, NDPSA का फुल फॉर्म होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइको एक्टिव सब्सटेंस एक्ट. पॉइंट नंबर 22, ICDS दैट इज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की मुख्य कार्यकर्ता आंगनवाड़ी होती है, एंड एक आंगनवाड़ी की नियुक्ति लगभग 1000 की पॉपुलेशन पर की जाती है. और लास्ट पॉइंट, व्हेन अ पेशेंट सफर्स विद डेंगू फीवर पेशेंट कंप्लेन्स मेनली ऑफ पेन इन द जॉइंट्स. डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर. उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट्स के साथ. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.